बाबा विश्वनाथ की नगर काशी में जहां राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कुछ सोचना है और अपने अपने मनपसंद प्रत्याशियों को लेकर मुस्लिम समुदाय किसे वोट देना चाहते हैं, देखिए संवाददाता जमील अहमद की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और सेम में तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और बनारस जो इलाका है वो पूर्वांचल का इलाका है और पूर्वांचल में सातवें फेस में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके सामने है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय और वहीं बसपा की अगर बात कर ली जाए तो वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी हैं। इन तमाम प्रत्याशियों के बीच में मुस्लिम समाज क्या सोचता है, मुस्लिम समाज किसको वोट करेगा और ये बाहुल इलाका है, ये चौका घाट का इलाका है और तमाम यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए। चाचा, आपसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव बहुत नज़दीक है, सारी पार्टी के लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज किधर जा रहा है? अरे मुस्लिम समाज तो बहुत परेशान है, खाने के मोहताज हैं, तो क्या करे, काम धंधा सब एकदम बंद है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कहा जाए। कारोबार तो मोदी जी कह रहे कि बहुत अच्छा चल रहा है, सबका विकास सबका साथ है, खाली मोदी जी कहते हैं, कहाँ कारोबार चलिए हम दिखाएं, सब कारखाना बंद है, पैसा नहीं मिल रहा है, क्या बताया जाए। तो इस बार जो वोट करने के लिए जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? अरे क्या मुद्दे है, हम लोग के बिजली के अलग परेशानी है, काम धंधा होता नहीं है और उनका महीना चाहिए, महीना पूजा महीना चाहिए, कहाँ से दिया जाएगा, जब काम धंधा होगा तब न देंगे, कुछ समझ में नहीं आता, क्या वोट दिया जाएगा कोई के। आप ये बताए कि कौन लड़ रहा है मजबूती से, मोदी जी तीसरी बार मैदान में है, तीसरी बार मैदान में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, अजय राय भी कह रहे हैं कि हम भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, अतहर जमाल लारी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ आ जाएगा तो हम लोगों को हरा देंगे। देखिए कोई भी लड़े हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपने रोजगार से मतलब है, बुनकर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, हर महीने बिजली का बिल देना पड़ रहा है, नहीं दे रहे हैं तो लाइन कट जा रही है और रोजगार साड़ी वाला जो बनारसी वाला है सारा एकदम ठप हो चुका है, पिछले कुछ 10 साल से लगभग धीरे धीरे चलता रहा मगर इस साल एक साल हो गया पूरा, इस रमजान से लेके अगले रमजान तक कोई धंधा पानी है नहीं, सब बहुत परेशान है। आप कह रहे हैं कि रोजगार ठप चल रहा है या बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिल गया, बनारसी साड़ी का कल खिड़किया घाट पर बाकायदा एक फैशन शो भी कराया गया ताकि बनारसी साड़ी के प्रचार प्रसार पूरे देश भर में दुनिया भर में। अगर वो बनारसी साड़ी घर बैठ के बिक जाता था पहले, अगर नहीं बिकता तभी तो लोग वहाँ जाके प्रचार कर रहे हैं, ये तो विश्व लेवल पर प्रचार किया जा रहा है ताकि बनारस की जो पहचान है बनारसी साड़ी उसे विश्व भर में बेचा जाए, कारोबार बढ़े उससे कहाँ कारोबार बढ़ेगा, घर में बैठ के मशीन चला के कारोबार बढ़ेगा कि यहाँ बेचने से कारोबार चलेगा। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है, बनारस की जनता क्या सोच रही है? हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ तो होगा जहन में आप। देखिए अब तक सबों ने ठगा है, समझ रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ कहना ही मुश्किल है, अब सबों ने ठगा है, सब अपने बन के आए और कोई अपना दिखता नहीं है, अब कुछ कह नहीं सकते हम इस मामले में। अजय राय जी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं और अतहर जमाल लारी। मोदी जी का तो कुछ दिखा भी, बाकी सब लोग खाली बेवकूफ़ बनाया है। क्या दिखा मोदी? विकास दिखा उनका। क्या चीज अच्छी लगी मोदी जी की अब तक जो 10 सालों में उन्होंने बनारस को दिया, बहुत सारा काम किया, आपको सबसे बेहतर क्या लगा उसमें? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रोड वगैरह अच्छी बनी और जैसे स्टेशन वगैरह अच्छे बने, काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे विकास के नाम पे, समझ रहे हैं। और बाकी सबके राज में तो ऐसा होता था कि 10 साल 20 साल लग जाता था क्या बोलाते हैं एक एक चीज़ को बनने में, तो बहुत बेहतर हुआ पहले से। देखिए ये कह रहे हैं कि बनारस में बहुत काम हुआ, बनारस में रोपवे भी मिला है, दुनिया का सबसे भारत का पहला ऐसा शहर है जो बनारस में रोपवे तैयार होने जा रहा है, कैंट स्टेशन से लेकर आपको गोदौलिया तक। अरे भैया तो जो पहले का पास किया हुआ वो अगर मोदी जी कर रहे तो उसमें क्या देखा? कहाँ पास हुआ? अरे पहले का सारी चीज पर हमारे मंत्री जी ये ओवरब्रिज बना है, सपा की सरकार थी सुरेंद्र सिंह पटेल जी का, हम बात कर रहे उसकी बात कीजिए आप, हम रोपवे की बात कर रहे हैं, रोपवे मोदी जी ने दिया, आप कैसे कह सकते?
मोदी जी दिया नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री तो हमको नहीं देंगे क्या, विकास नहीं करेंगे? आने वाली जो पहले की सरकार थी वो भी तो विकास की है, ऐसा नहीं कि हमारा घर में किसान परेशान है रोड पर, उसकी बात आप नहीं करोगे? किसान किस बुनियाद पे रोड पर है, क्यों अपने घर में नहीं है, अपना व्यापार क्यों नहीं कर रहे? हम बुनकर की बात करने के लिए आए हैं, आप बताइए, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार मुस्लिम समाज बुनकर समाज किधर जाने? आप जो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ से लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है? वो पहला लेकर आए नास्ती, फिर लेकर आए जो कि GST, इस सब चीज़ों पर जो आरोप लगा करके सारे कारोबार को तो बंद कर दिया उन्होंने। कारोबार आज बुनकर का लाइन ऐसा है कि जो कि बाना और धागा जो कि इतना महंगा कर दिया गया है, जिसके कस्टमर लेने पर जो कि पीछे हट रहे हैं। सारा कारोबार 80% जो कि बंद हो चुका है, 20% चल रहा है। मजदूर जो कि इधर उधर भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, घर बार छोड़ रहे हैं। आज सबका जो कि मकान तोड़ा जा रहा है, जो बोल रहे सबका साथ सबका विकास, गरीबों का हटाओ अमीरों किसका तोड़ा जा रहा है? आप जाइए रोड पर देखिए कितने लोगों का, जब विकास होगा रोड चौड़ा होगा किसके लिए किया जा रहा है? पूरा चले जाइए, अरे गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, गरीबों पर जो ठेला लगा है। तो जो रोड पर होगा अतिक्रमण तो उसको तो हटाया जाएगा। चलो ठीक है, रोड पर जो होगा हटाया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो दिया जाता है ना कुछ भी, सारे लोगों को मुआवजा भी मिला? नहीं मुआवजा मिला, किसको मुआवजा मिला? एक कोई दिखा दीजिए हमें मुआवजा मिला हो तो। कहाँ रहते हैं आप? यही बड़ी बाजार में रहते। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान हमारा नाम। आपकी कहाँ मतलब रोड मकान गया है जहाँ पर? अरे हमारा नहीं गया तो, लेकिन गरीबों का तो जा रहा है ना, गरीबों का ठेला लगाया जा रहा है, उठा लिया। गरीबों को मकान भी मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को मकान मिला है, 4 करोड़ लोग को मकान मिला है, 3 करोड़ लोगों को और भी मकान मिलेगा इस साल में अगर मोदी जी की सरकार बनेगी, उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल है। चाचा ये बताइए कि अजय राय तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार हार चुके हैं मोदी जी के सामने, तीसरी बार मैदान में है, और इस बार कह रहे हैं कि बनारस की जनता हमारे साथ है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या यादव समाज हो या फिर पुरानी जो कांग्रेसी है। आपको क्या लगता है कि अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी दे पाएंगे? अब ये तो हम नहीं बता सकते, हम अपनी बात बता दिया, जो हम लोग परेशान है कारोबार से, मजबूर का जीतने का, हाँ काफी चांस है इस बार। कैसे? पब्लिक उनके साथ है और क्या, कैसे क्या, वोट हम एक ही देंगे, हम कैसे बता दें कि उसमें कितना वोट पड़ रहा है? इस बार अच्छा वोट से जीतेंगे अजय राय, हमारे लिए तो सभी हुआ है, हमसे नहीं मतलब है, मगर पब्लिक इस बार अजय राय को चुन रही है। एक चीज बात, हम लोग के बीच आते हैं, एक बात ये भी चल रहा है कि मुख्तार अंसारी को जो सजा हुआ था उसमें अजय राय की एक बड़ी गवाही हुई थी, उनके भाई की हत्या हुई थी उसमें मुख्तार अंसारी दोषी थे, और उस गवाही में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई, 4 साल अफजाल को सजा हुई। तो क्या मुस्लिम समाज अजय राय के साथ में रहेंगे या फिर मुख्तार? अजय राय के साथ में रहेंगे, मुख्तार अंसारी के नहीं। क्या है क्या नहीं है इससे नहीं मतलब, अभी जो आज हालात है उस हालात पे मुस्लिम अपना वोट अजय राय को करेगा, इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ है। गठबंधन है ना, हमको तो 65 रुपये में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो हमको बिजली प्रोवाइड किए गए थे, तो आज उनको हम देखेंगे ना, तो इंडिया अलायंस गठबंधन है अखिलेश यादव का, तो हम उनके साथ हैं, कौन लड़ रहा है मैदान में इससे नहीं पता। यहाँ पर शिया समुदाय ऐसे है कि जो कि भाजपा चाहे हारती है चाहे जीतती है उसी को वोट दिया जाता है, तो हम लोग भी उसी में हैं कि वो हारे या जीते हम लोग को वोट उसी में जाएगा। तो गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय क्या रहेगा इस बार का नतीजा? हम लोग कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस को देंगे, सपा का समर्थन है ना कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस है उसी को वोट देंगे, और यहाँ पर का अखिलेश को देंगे, अब वो जीते हारे इससे हमसे मतलब नहीं। अखिलेश कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तो इंडिया गठबंधन अलायंस का सीट है कांग्रेस के खाते। इस वक्त तो कांग्रेस ही वोट देना होगा हर हालत में। अजय राय लड़ पाएंगे बढ़िया से? अब जो लड़े उसका भाग है, जीते हारे इससे हम लोग से क्या मतलब। सही बताइए कि चाय की दुकान है और इसी चाय की दुकान पर बनारस में सियासत पूरी तय हो जाती है कि सरकार किसकी बन रही है किसकी बिगड़ रही है, लोग क्या किस तरीके से बात? हम अपने दुकान पर सियासत नहीं ना करते हैं हम लोग, लोग बात करते होंगे आप सुनते होंगे ना? नहीं, यहाँ पर तो मुसलमान जितने भी हैं वो सब यही कहते हैं कि हम लोग का मशीन बंद है, और वास्तव में जब वो लोग नहीं कमाएंगे तो हम लोग कहाँ से कमाएंगे, हम लोग का धंधा तो मुसलमान ही लोग से चलता है। तो मशीन बंद ही बताते हैं या फिर सरकार बननी और बिगड़ने की भी बात करते हैं? नहीं, सरकार बने या बिगड़े इससे हमसे मतलब नहीं है, हम लोग तो 2 पैसा कमाते हैं और जाते हैं घर, हम लोग से मतलब यही ना होगा कि हम लोग क्या कमा रहे हैं। अब जब मुसलमान नहीं कमाएंगे तो हम लोग कहाँ से लेंगे, हम लोग तो इन्हीं लोग के बहुत दौलत है, बाकी हाँ यहाँ के मुसलमान ऐसे हैं
कभी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किए। और सब तक तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पर का मुसलमान जो के हैं वो हिंदुओं का साथ देते हैं आपस में, चाहे जितना दुश्मनी। यही तो है बनारस की गंगा जमनी तहजीब। यहाँ पर मुसलमान जो हैं हिंदू के लेके चलते हैं और हिंदू मुसलमान को लेके चलते हैं, बड़ी बाजार का बढ़िया। तो देखिए सरदार जी थे और सरदार जी अपनी बात कहें, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से बात करते हैं। चाचा आप बताइए, आप भी चाय और दूध लेने के लिए यहाँ पर आए, चुनाव है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, क्या माहौल रहेगा इस बार? अरे क्या माहौल बताया जाए, अब 400 सीट पार का तो ऐलान हो ही चुका है, तो अब 400 सीट पार तो मिल ही जाना है। मोदी जी तीसरी बार मैदान में लड़ रहे हैं और उनके सामने अजय राय और अतार जमाल लारी भी SP से भी है। ठीक, तो फिर मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा सबसे आपको, क्योंकि आप बनारस के लोकल रहने वाले हैं? मोदी जी का काम तो वैसे BJP का, जहाँ तक से विकास की बात है, विकास तो ठीक है, थोड़ा सा ये कम्युनल जो मामला जो पड़ता है इसी में थोड़ा सा उसको अगर वो सही कर ले तो उनका पूरा, हम समझते हैं भारत उन्हीं को वोट देगा। बस थोड़ा कम्युनल जो जो ये होता है बीच में उभार देते हैं या कुछ इस तरह का जो है स्लोगन चला देते हैं। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास, वर्ल्ड में तो हमको अपना कुछ दिखाना है ना, लेकिन ऐसे आप भी ये जो है इसी भारत में रहते हैं तो आप भी देखते होंगे कि कहाँ मॉब लिंचिंग हो जा रही है, कहीं पर मार दे रहे हैं, और बहुत से माफिया लोग भी पड़े हुए हैं लेकिन किसी का मतलब टारगेट कर, माफियाओं को तो मिट्टी में मिला दिया। अरे तो बस भाई इतना, अरे विजय सिंह नहीं, बहुत से लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी का नहीं है, लेकिन आप देख रहे ना कि एक मतलब जो है कम्युनिटी को मतलब टारगेट करते हैं, तो ये आम पब्लिक जान रही है, कोई मतलब कहने सुनने की बात। इस बार सारे मुसलमान भाजपा के साथ रहेंगे? अब देखिए हम ये कैसे कहते हैं, सब उनका विशेषाधिकार है मत का, तो वो अपने मत के मालिक हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बस बता रहे हैं ना कि ये कम्युनल को थोड़ा ठीक कर लें तो बाकी विकास के मामले। और इन्हीं खबरों के साथ महालाइव में फिलहाल